हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की बायोलॉजी रखे सुरेश कुमार नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने रिफ्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा था और हमने कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड चैप्टर था हमारा, वो हम स्टार्ट कर चुके थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है, जस्ट इमीडिएट रेस्पॉन्स। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब, जस्ट इमीडिएट रेस्पॉन्स। ठीक है, जस्ट इमीडिएट रेस्पॉन्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, बिना किसी थिंकिंग के, बिना किसी फंक्शन के और इमीडिएट रेस्पॉन्स हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं क्या, ओके, रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, वो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमन व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन। हमें पता ही है रिफ्लेक्स फॉर्म वैसा वर्ड है जो हम यूज करते हैं जब कोई सडन एक्शन होता है इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट। वी से आई जंप, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, आउट ऑफ द वे बस रिफ्लेक्सिटी और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सिटी। अगर आप किसी फ्लेम के ऊपर, एक फ्लेम के ऊपर अपना हैंड रखते हैं तो जैसे आपको हॉटनेस फील हो जाता करते हैं, अपने हैंड को रिमूव कर लेते हैं बिना किसी थिंकिंग के, बिना किसी सोच के आप करते हो, जस्ट अपने हैंड को पीछे की तरफ ले लेते हो। सर, ये सब क्या कराते हैं, आपके रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, तो अ कॉमन आइडिया इन सच एग्जाम्पल इज दैट वॉट एग्जैक्टली वी मीन, वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो क्या है, हम सोचते नहीं है, बस हम कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विदाउट कंट्रोल। ठीक है, विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल, विदाउट, हम कोई भी कंट्रोल फील नहीं करते, हम क्या करते हैं, इमीडिएट रेस्पॉन्स शो करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम, रिफ्लेक्स एक्शन। लेट अस कंसीडर जस्ट फर्दर, टेक अप वन आवर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं क्या, टचिंग अ फ्लेम इन अ अर्जेंट एंड अ डेंजरस सिचुएशन फॉर अस और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल। ठीक है, अगर हम किसी भी फ्लेम को टच करते हैं तो हमारे लिए और किसी भी एनिमल के लिए क्या है, वो एक डेंजरस सिचुएशन होती है। हाउ वुड वी रेस्पॉन्ड टू दिस, वन सिंपली सिंपल वे इज टू द थिंकिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट द प्लान एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉन्ड। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा देर तक फ्लेम के ऊपर अपना हाथ रखेंगे तो हम क्या होंगे, हमें बर्न फील होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम इमीडिएट अपना हाथ अपना हटा लेते हैं। ठीक है, अगर हम उसे देख भी नहीं रहे और अनकंडेंशली हमने मतलब बाय एक्सीडेंटली अगर हम किसी फ्लेम के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें जैसे हॉटनेस फील होती है, क्या हम बिना देखे हाथ हटा देते हैं, तो वो क्या शो करता है आपको, वो ये शो करेगा कि जस्ट एग्जाम्पल वो क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्स एक्शन। वो क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्स एक्शन। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन क्या है आपके, द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक इफ नर्व इम्पल्स आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टू टॉक अबाउट अर्लियर थिंकिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो ये सब क्या है, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, ये इतना कोई काम का नहीं, आपको खाली ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या। तो मैंने बताया आपको सडन रेस्पॉन्स टू एनीथिंग, सडन रेस्पॉन्स टू एनीथिंग। ठीक है, तो इन दिस केस नो सरप्राइज, थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंटरलेयर अरेंज्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स अटैच्ड होते हैं बहुत सारे एक से। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स का एक डेंस नेटवर्क होता है कंप्लीट। ठीक है, न्यूरॉन्स का क्या होता है, एक डेंस नेटवर्क होता है कंप्लीट, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, हमारी बॉडी क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर कंट्रोल वे में होता है। अच्छा, इन द फॉर्मेट ऑफ द एंड ऑफ द स्कल एंड रिसीव द सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर। ठीक है, हमारी बॉडी के पूरे पार्ट से करते हैं सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, द बॉडी विच इज थिंकिंग अबाउट द बिफोर रेस्पॉन्डिंग टू दैम। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दीज सिग्नल दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन द स्कल। अच्छा, अब ये जो भी सिग्नल्स हमें आ रहे हैं, ठीक है, इनको रीड करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हमारा माइंड होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन होता है स्कल के अंदर हमारे, ठीक है, ब्रेन होता है, वो क्या करता है, इन सबको कनेक्ट करता है, सारे टिश्यूज जितने भी नर्वस होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ये सब क्या हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट होते हैं। हमारे कहाँ कनेक्ट होते हैं, ब्रेन में कनेक्ट होते हैं। कहाँ कनेक्ट होते हैं, ब्रेन के अंदर। और बेसिकली क्या है, ये नर्वस टिश्यूज ही क्या करते हैं, जब भी कोई आपको हॉट ऑब्जेक्ट आप टच करते हैं या कोई भी एक्सीडेंटली चीज़ अकर होती है तो ये नर्वस टिश्यू ही क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जो नर्वस टिश्यू यानी न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू यानी न्यूरॉन्स का एक चेन, न्यूरॉन्स की जो चेन होती है उसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं। तो जो न्यूरॉन्स का डेंड्राइट पोर्शन होगा वो रिसेप्टर की तरह काम करता है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और क्या करते हैं, फिर हम लोग कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम रदर दैन द हैविंग टू थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन। अच्छा, अब हमारी बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्ड करेगी कि हम बिना सोचे, मतलब वो इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन तक पहुँचे ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचे ही नहीं और हम क्या करें, रेस्पॉन्ड कर दें।
तो ये कैसा पॉसिबल है? तो इसी को बेसिकली क्या बोला जाता है एक तरीके से एक्सेल में नर्वस सिस्टम, इसी को क्या बोलते हैं हम एक्चुअल में नर्वस सिस्टम। देखिए आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा रामायण दी हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये पूरी पढ़ लें, थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ दी है, ठीक है, और चाहे तो आगे की पूरी रामायण पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक आइडिया दिखाता हूँ क्या होता है एक्चुअल में रिफ्लेक्स एक्शन, ये इसमें देखिए आप, ठीक है, वहाँ पूरी रामायण दी हुई है। तो अगर जिसको रामायण पढ़ने की इच्छा हो तो वो रामायण पढ़ सकता है वहाँ पर। मैं आपको यहाँ से आइडिया दे देता हूँ पूरा क्या होता है एक्चुअल में, कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए एक डायग्राम वहाँ पर भी शो है, ठीक है, इस एनसीईआरटी के डायग्राम से देख लीजिए, एनसीईआरटी में डायग्राम में रिफ्लेक्स आर्क का देखिए। तो देखिए ये आपका हैंड आपको शो हो रहा है, ये आपके हैंड कनेक्ट होकर शोल्डर से कनेक्ट होकर, ये आपके यहाँ पर क्या है बैकबोन, जो आपके हेड के बिहाइंड से लेकर आपके नीचे टेल बोन होती है, ठीक है, हिप के ऊपर क्या होती है एक टेल बोन होती है यहाँ पर, टेल बोन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं टेल बोन। जैसे कि ये टेल बोन ऐसे होते हैं अगर किसी के टेल बोन ये जनरेट हो जाए, ठीक है, तो मतलब उसके मतलब पूछ निकले, उसके टेल निकले जाएगी, ठीक है। तो ये टेल बोन होती है जो अनजनरेटेड होती है, ठीक है, यहाँ पर टेल बोन होती है। तो ये हमारी क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड होता है पीछे की तरफ, या देख रहे होंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड CNS, ठीक है। तो ये हमारा हैंड इस तरह से कनेक्टेड है शोल्डर के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से, सिमिलरली इस तरफ हमारा दूसरा हैंड होगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं रिसेप्टर है, आप क्या करते हैं कोई हॉट पैन है उसको अगर आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको हीटनेस फील होगी, और वो हीटनेस किससे होगी रिसेप्टर इन स्किन, रिसेप्टर इन स्किन। क्यों? देखिए आप ये क्या होगा आपके, मैंने बताया आपको हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या है न्यूरॉन्स है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या है न्यूरॉन्स है जो सब मिलकर क्या बनाते हैं एक नर्वस टिश्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं नर्वस टिश्यू। देखिए यहाँ पर एक न्यूरॉन होगा इस तरह से अटैच, बहुत छोटे छोटे होंगे, ये यहाँ पर आपको बड़े दिख रहे हैं, यहाँ मल्टीपल होंगे, हर पोर्शन पे होंगे, हर पोर्शन पे न्यूरॉन्स होंगे, इस तरह सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे आपस में और वो सारी इन्फॉर्मेशन का ले जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। तो इस तरह से एक न्यूरॉन जो आपके यहाँ पर फिंगर स्किन के ऊपर होगा उसने क्या करा इन्फॉर्मेशन को रिसीव करा, क्या कि आप हीटनेस को रिसीव किया। अब क्या हुआ वो हीटनेस क्या करेगी यहाँ से आगे फ्लो करेगी, आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए आप यहाँ पर यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। अच्छा ये जो इन्फॉर्मेशन को सेंस करता है उसे हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, जो न्यूरॉन इस इन्फॉर्मेशन को सेंस करेगा उसे हम क्या बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, क्या बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप देखिए सेंस करके जाएगी, अब जैसे ही आप यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, आप देखिए इन्फॉर्मेशन जा रही है आपकी रेड कलर में दिख रही होगी आपको, ये देखिए रेड कलर के अंदर जो हीटनेस फील हो रही है ना ये रेड कलर में जा रही है पूरी यहाँ पर, ठीक है, इस तरह गई आपके यहाँ पर होना चाहिए और ये कहाँ गई स्पाइनल कॉर्ड से। अब एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड से ये कहाँ जानी चाहिए आपके पास ब्रेन के पास, आपके कहाँ जानी चाहिए ब्रेन के पास, बट एक्चुअल में क्या होता है कभी कभार क्या होता है, पहले इसका एक ब्रीफ आइडिया समझाता हूँ आपको फिर थ्योरेटिकल में चलते हैं इसमें। बट एक्चुअल में कभी कभार क्या होता है कि ये ब्रेन तक नहीं पहुँच गई, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से ब्रेन तक नहीं पहुँच गई। क्यों? अगर ये ब्रेन तक जाएगी तो उतने देर में आपका हैंड क्या हो जाएगा बर्न हो जाएगा, आपका हैंड क्या हो जाएगा बर्न हो जाएगा। ये देखिए आप लिख रहा मैसेज टू ब्रेन लिखा हुआ है, मैसेज टू ब्रेन यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा मैसेज ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ब्रेन के पास जाएगा। बट एक्चुअल में कभी कभार क्या होता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी और फिर ब्रेन इसको क्या आपको कुछ वो देगा है एक तरीके से आपको ऑर्डर देगा ब्रेन कि आप अपना हाथ को हटाइए, फिर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी, फिर आप यहाँ तक पहुँचेगी और फिर आप अपने उस न्यूरॉन की वजह से आप क्या करेंगे अपने हैंड को हटाएंगे। तो ये इतना लंबा प्रोसेस होता है कभी कभार, ठीक है। तो जब सिचुएशंस क्या होती है एक्सीडेंटली होती है, जब सिचुएशंस एक्सीडेंटली होती है या इमीडिएट रेस्पॉन्स करना होता है, जब सिचुएशन एक्सीडेंटली होती है या इमीडिएट रेस्पॉन्स करना होता है तब हमारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुँच के हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही वर्क कर जाता है, समझ रहे हैं आप, हमारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंच के उनके लिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही वर्क कर जाता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर किन किन में करेगा, तो देखिए ये मैं आपको बता दूँ जो इन सिचुएशंस एक्सीडेंटली होगी, ठीक है, जैसे कि आप चुपचाप बैठे हैं मूवी देख रहे हैं एक्सीडेंटली कोई आपको चिल्लाता है बहुत जोर से तो आप एकदम से ऐसे झन्ना के उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से बहुत आपको डर सा लगता है आप उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है, तो ये एक्सीडेंटली हुआ तो इसमें इन्फॉर्मेशन आपके माइंड तक पहुँचती ही नहीं है, ठीक है, आपका स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करता है इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा। तो देखिए अब कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर एक न्यूरॉन था, ठीक है, कौन सा न्यूरॉन था सेंसरी न्यूरॉन जिसने आपके करा सेंस करा कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको क्या है हीटनेस फील हो रही है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन कहाँ तक आया आपके यहाँ स्पाइनल कॉर्ड लगाया आप देख पा रहे होंगे। अब ये स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए थी ब्रेन तक, बट एक्चुअल में इमीडिएट है या बहुत रेस्पॉन्स करना आपको क्विक तो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही वर्क कर जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड पर वर्क कौन करेगा आपके रिले न्यूरॉन, कौन करेगा रिले न्यूरॉन, ये क्या कर देगा रेस्पॉन्ड कर देगा, क्या करेगा रिले न्यूरॉन रेस्पॉन्ड कर देगा और इन्फॉर्मेशन को क्या लेके जाएगा वापस ले जाएगा। और यहाँ पर एक न्यूरॉन होता है जो क्या होता है मॉनिटर, क्या होता है मॉनिटर न्यूरॉन, कौन सा होता है मॉनिटर न्यूरॉन, और वो क्या करेगा मॉनिटर करेगा कि आपका हाथ बर्न नहीं होगा और क्या करेगा आपके मॉनिटर न्यूरॉन बंद करके आप यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे अपने हैंड के यहाँ पर, ठीक है, हाथ के अगर आप ये हिस्सा देखेंगे तो यहाँ प्रेशर लगाएंगे और अपने हैंड को रिमूव कर लेंगे,
ठीक है, आप अपने हैंड को रिमूव कर लेंगे। ये क्या है, इफेक्टर मसल है ना, ठीक है, इफेक्टर मसल होती है जो क्या करती है, रिमूव में हेल्प करती है आपकी, ठीक है। जैसे आप हैंड को रिमूव करेंगे तो एक्चुअली इस इफेक्टर मसल की हेल्प से रिमूव करते हैं अपने हैंड को, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। वैसे तो देखिए आपके जो एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल दी हुई थी ये सब मैंने पढ़ दिया है, केवल ये लास्ट पैरा ही नहीं पढ़ाई है, ठीक है, ये लास्ट पैरा ही नहीं पढ़ा है, ठीक है। उस लास्ट पैरे के अंदर इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो मैंने आपको हिंदी में पूरा समझा दिया है कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ये देखिए आप, अब थोड़ा इससे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए तो रिसेप्टर मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, ये देखिए यहाँ पर रिसेप्टर हुआ, उसके बाद इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, सेंसरी न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये देखिए आप रिसेप्टर से कहाँ गई है, सेंसरी न्यूरॉन, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, आगे चलिए। सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ गई, स्पाइनल कॉर्ड में, तो देखिए आप ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच गई, आपकी इन्फॉर्मेशन में बताया था आपको। अब इससे एक्चुअल में जानी कहाँ चाहिए, ब्रेन में, बट एक्चुअल में क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है आपको, तो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में नहीं जाती है, ठीक है। और फिर कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो अभी देखिए ये आपके मोटर न्यूरॉन्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। रिले न्यूरॉन्स तो क्या होती है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स आ गए आपके यहाँ पर, अब मोटर न्यूरॉन्स से क्या होगा, इफेक्टर्स लाइक मसल, मतलब जो उसको क्या करेंगे, इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके ये जो इफेक्टर था, तो यहाँ कौन है इफेक्टर, ये देखिए यहाँ पर क्या है, मसल इन आर्म, ठीक है। ये इफेक्टर यहाँ पर दे रखा है आपको, ये इफेक्ट क्रिएट करेगा और अपने आप को, अपने हैंड को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में डायग्राम देखना हो तो आप डिटेल में भी डायग्राम देख सकते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई डायग्राम के अंदर, ताकि अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम फॉलो करना चाहते हो, वो ये फ्लो चार्ट आपको इस चीज़ को याद करने में हेल्प करेगा। ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, आपको याद करने में हेल्प करेगा। इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी रिसेप्टर में, फिर सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंस करेगी, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगी। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रेल क्या होगा, एक होगी आपका क्या, रिले न्यूरॉन्स, जो यहाँ से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को एक्चुअल में जाना ब्रेन तक दिया था, लेकिन रिले न्यूरॉन देखेगा कि ये रिफ्लेक्ट एक्शन है, उसको क्या कर देगा, मोटर न्यूरॉन के पास भेज देगा, इसके पास भेज देगा मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इफेक्टर की हेल्प से आपको एक्शन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है रिफ्लेक्स एक्शन का। अच्छा देखिए यहाँ दिखा देता हूँ आपको, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज द नेम गिवन टू द रिस्पॉन्स विच इज एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही जो वर्क होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए स्टेटमेंट क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन इज द नेम गिवन टू द रिस्पॉन्स विच इज एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, वो एक्शन जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक ही ले लिया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, कोई भी बॉडी के अंदर फंक्शन होता है, ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ जाएगी, ब्रेन तक जाएगी, और फिर ब्रेन आपको ऑर्डर देगा और फिर आप कोई भी फंक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही हो जाए, मतलब ब्रेन तक जाए नहीं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। ये मैंने आपको भी डायग्राम में भी समझा दिया पूरा, ठीक है। तो ऐसे एक्शन जो क्या है, आपके माइंड तक इन्फॉर्मेशन जाए नहीं, स्पाइनल कॉर्ड पे ही रिस्पॉन्स हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड से ही रिस्पॉन्स हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इट इज़ अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ये बहुत जल्दी होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुलस बाय एन ऑर्गन और अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन, या तो ऑर्गन करेगा कोई पर्टिकुलर या सिस्टम ऑफ ऑर्गन करेंगे, विच डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, ये ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते, मैंने बता दिया आपको, ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे फॉर इट्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बेसिकली अपने इंस्टीट्यूशन के लिए क्या करेंगे, ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते, आपका स्पाइनल कॉर्ड ही डायरेक्टली वर्क कर जाता है इसके अंदर और आपके गलत है अपने एक्शन को परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन अनकॉन्शियस, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, अनकॉन्शियस, रिफ्लेक्स एक्शन इज एन अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब विदाउट सेल्फ, विदाउट विल, सेल नहीं, विदाउट विल, अनकॉन्शियस मतलब आपको विदाउट विल क्या हुआ, क्योंकि देखिए विदाउट विल का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन आपके माइंड तक पहुंची नहीं, आपने बिना माइंड यूज किए हुए उस फंक्शन को कर लिया, तो वो क्या हुआ, विदाउट विल, विदाउट मतलब किसी भी चीज़ को सोचे समझे आपने कोई काम करा, तो वो हो गया विदाउट विल। तो क्यों हुआ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी कहाँ तक पहुंची, केवल और केवल स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची, बैकबोन जो होती है ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड उसको बोलते हैं, तो केवल और केवल कहाँ पहुंची, स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से आपके ब्रेन तक गई ही नहीं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक गई ही नहीं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, विदाउट विल, ठीक है। एंड इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर्स, ठीक है, और क्या होगा, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दो तरह के रेस्पॉन्स होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री रेस्पॉन्स और एक होता है इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा टिश्यूज चैप्टर के अंदर। वॉलेंट्री रेस्पॉन्स वो होते हैं जिनमें हमारा कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री रेस्पॉन्स वो होते हैं जिनके अंदर हमारा कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स वो होते हैं जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा उसमें आपने कुछ भी नहीं किया है, वो अपने आप हुआ है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप होते हैं, जबकि वॉलेंट्री रेस्पॉन्स को आप कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री करना, और इनवॉलेंट्री मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये 9th क्लास से पढ़ा है आपने, ओके।
ठीक है, तो आप इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स करके अपने इफेक्टर्स मतलब जो मसल्स होंगे उससे क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के फंक्शन को वर्क करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, अनकॉन्शियस है, इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स है, मतलब आपको कोई कंट्रोल नहीं होता, और इफेक्टर्स की हेल्प से आप क्या करते हैं उस फंक्शन को वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट था आपका रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आपको और थोड़ा जानना हो तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के होते हैं, मे बी आपके यहाँ दिया नहीं दिया हो या नहीं दिया हो, डोंट नो। ठीक है, तो ये जो पूरा अभी रिफ्लेक्स एक्शन आपको फ्लो चार्ट जो समझा ना वो आपकी पूरी रामायण यहाँ दी गई। ठीक है, ऊपर वाला तो कुछ भी नहीं है, सबका चला है। ठीक है, ये आपके पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो मैंने आपको पूरा अभी समझाया ना वो। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, पढ़ के कोई डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा मुझे, और अगर डाउट नहीं है तो आप ये देखिए सबसे बेस्ट मैंने यहाँ पर आपको पूरा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूरा समझा दिया है। डायग्राम आप वो बना सकते हैं, दोनों डायग्राम बना सकते हैं। क्यों? अच्छा देखिए, जितना ज़्यादा आप इफेक्टिव दिखाएंगे ना, लिखना मैटर नहीं होता बोर्ड के अंदर। ठीक है, देखिए मैं को आई थिंक करीबन चार साल हो गए, चार नहीं पाँच ही हो गए शायद, बोर्ड की कॉपीज चेक करते हुए मुझे अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 years हो गए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता बोर्ड की कॉपी में, एग्जामिनर को प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट होता है। आप लिख के चाहे 3 पेज आ जाइए कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके वो 3 पेज पढ़ेगा, नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने आंसर को कितने बेटर वे से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर रिफ्लेक्शन क्वेश्चन आए आप डायग्राम बनाइए, ये बना सकते हैं तो ये, या फिर इस डायग्राम को छोड़ दीजिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इस ये डायग्राम बनाइए आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बनाइए। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए जनरल जैसा बन सके, आप ये फ्लो चार्ट उसको शो कीजिए, ये फ्लो चार्ट देखते ही वो समझ जाएगा हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद आपने थ्योरी में अगर 2 या 5 या 6 लाइन भी लिखी होगी ना, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो 5-6 लाइन नहीं भी पढ़ के आपके इस फ्लो चार्ट के बेसिस पे आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना सीखिए बोर्ड के पेपर में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मुझे 5 साल हो गए कॉपीज चेक करते हुए, देखिए मैं खुद भी बता रहा हूँ आपको, कोई टीचर नहीं पढ़ता बोर्ड का, जितना ज़्यादा आप थ्योरी लिखेंगे ना उतना थ्योरी कोई नहीं पढ़ता। जितना ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे से, फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, पॉइंट्स में आंसर दीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी में पूरी रामायण लिखी हुई है, अगर पैराग्राफ में लिख के आएंगे ना आंसर कोई नहीं पढ़ता। एसएसटी नहीं है, आपको सोशल साइंस नहीं है, बल्कि इवन मैं तो सोशल साइंस में भी ये बोलता हूँ कि आपको पॉइंट्स में आंसर देना चाहिए, पॉइंट्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, टाइम लाइन बना के दिखाइए। ठीक है, तो वो इफेक्टिवली इम्पैक्ट शो करते हैं बोर्ड एग्जामिनर के ऊपर। साइकोलॉजी को हिट कीजिए एग्जामिनर के, जितना ज़्यादा साइकोलॉजी को हिट करेंगे एग्जामिनर के उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स सेक्शन आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल रिफ्लेक्स, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स। ठीक है, सिंपल रिफ्लेक्स क्या होता है, इट इज एन इनबॉर्न रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, इनबॉर्न होता है ये, वेयर लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड, लर्निंग की कोई जरूरत नहीं होती, दीज आर मोस्टली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एग्जाम्पल, नी जर्क अकर्ड इमीडिएटली व्हेन पैटिलर टेंडन्स ऑफ लैग शार्पली टैपर्ड। ठीक है, तो ये इतना कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल रिफ्लेक्स जान सकते हैं और कंडीशन रिफ्लेक्स जान सकते हैं, दीज आर नॉट इनबॉर्न। ठीक है, तो ये तो आपके जन्म से होती है आपके पास इनबॉर्न। ठीक है, और ये आपके जन्म से नहीं होते, ये क्या होती है, नॉट इन बॉर्न, दे आर एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस। ये सब आपको कैसे मिलती है, एक्सपीरियंस से मिलता है, ट्रेनिंग से मिलता है, लर्निंग से मिलता है। एग्जाम्पल, लर्निंग ऑफ साइकिलिंग और ड्राइविंग ऑफ ए स्कूटर। ठीक है, तो ये आपके क्या कंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं। ठीक है, और ये सिंपल रिफ्लेक्स क्या हो गया आपके, जो आपको बाय बॉर्न मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो रिफ्लेक्स सेक्शन के दो टाइप हो गए। तो होप रिफ्लेक्शन अच्छा आपको कंप्लीट समझ में आ गया हो कि एक्चुअल में रिफ्लेक्स सेक्शन होता क्या है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ लिखना चाहें तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होती है आपकी रिले मसल। ठीक है, रिले न्यूरॉन, सॉरी रिले न्यूरॉन, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। मैं एक काम कीजिए, मैं इसमें यहाँ पर इसको भी डिटेल डिटेल कर ही देता हूँ एक बार। ओके, ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन हैं। अच्छा, इफ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्वस दैट मूव मसल्स इन अ सिंपल वे, द प्रोसेस ऑफ द डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि आपके रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करेंगे और फिर रेस्पॉन्ड करेंगे। तो अगर जितना ज़्यादा क्विकली रेस्पॉन्ड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। तो सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स आर्क। कहने का मतलब क्या है, जितने भी आपके नर्व्स हैं, ठीक है, दैट मूव्स मसल्स इन अ सिंपलर वे एंड आउटपुट एक्शन मे बी कंप्लीटेड क्विकली। मतलब आपके क्या है, नर्व सेल्स क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं और इस तरह से कनेक्टेड हैं कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है तो क्या करते हैं वो उसको डिटेक्ट करके करते हैं क्विकली, क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, एक्चुअल में देखेंगे ना यहाँ देखिए लिखा हुआ भी रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क।
ठीक है, आगे देखिए, देखिए फिगर लिखा हुआ अब यहाँ फिगर 7.2। अच्छा, वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व। द बेस्ट प्लेस ऑफ द कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आपको मैंने बताई दिया कि हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सारे नर्वस टिश्यू, जैसे कि आपके हैंड के होंगे, नेक के होंगे, या आपके और भी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से सारे जितने भी नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, कहने का मतलब वो सब एक बंडल के फॉर्म में कहाँ के अटैच होते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में अटैच होते हैं। कहाँ पर अटैच होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में आके अटैच होते हैं। ठीक है, ठीक है, नर्व फ्रॉम द ऑल ओवर बॉडी मीट अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। ठीक है, और फिर वहाँ से क्या करते हैं, ब्रेन की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। रिफ्लेक्स आर फॉर्म इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। ठीक है, रिफ्लेक्स आर जब होगा आपके तो वो क्या होगा, केवल और केवल कहाँ से होगा, आपके ओनली और ओनली स्पाइनल कॉर्ड से। देखिए रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन सेम चीज़ है, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आपके कहाँ से होगा, स्पाइनल कॉर्ड से, ये सेम स्टेटमेंट मैंने वहाँ भी लिखा हुआ था। अच्छा, ऑल दो द इन्फॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज टू द रीच द ब्रेन। ठीक है, वैसे तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक भी जाती है, बट एक्चुअल में ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाके अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस लौट आती है इन्फॉर्मेशन, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो क्या है आपका, रिफ्लेक्स आर्क। ऑफकोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस इतनी फास्ट नहीं है एनिमल्स में, इसलिए वहाँ पर इतना ज़्यादा इफेक्टिवली शो नहीं होता आपको रिफ्लेक्स आर्क। इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग। ठीक है, आप बेसिकली अगर आप देखें तो एनिमल्स में नहीं होता, बहुत छोटे लेवल पर होता है। सो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैज इवॉल्व एन एफिशियंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क अच्छा होगा बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका रिफ्लेक्स आर्क वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, एक रिफ्लेक्स आर्क की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, जो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ भी बता दिया आपको, रिफ्लेक्स एक्शन की जो डेफिनेशन है वही रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन। कहने का मतलब क्या है, आपके जो जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो नर्वस सारे कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के थ्रू, नर्वस टिश्यू बनाते हैं, और वो सारे न्यूरॉन्स, सारे नर्व सेल्स क्या होते हैं, कनेक्ट होकर कहाँ जाते हैं, आपके बंडल के फॉर्म में कहाँ कनेक्ट होते हैं, कहाँ पर कनेक्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव होकर वो आपकी कहाँ डिटेक्ट होती है, स्पाइनल कॉर्ड पर डिटेक्ट होती है, और वहीं से क्या होती है, उसका आउटपुट आ जाता है, वहीं से क्या होता है, उसका क्विक रेस्पॉन्स हो जाता है, एक आउटपुट जनरेट हो जाता है क्विक रेस्पॉन्स, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट आर्क। अगर ये ब्रेन तक जाता है तब ये रिफ्लेक्ट आर्क नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो होप ये रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आया, फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा वो ब्रेन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।